सो हम लोग आए हुए हैं स्काई डाइविंग के लिए और अभी हम लोग का वेटिंग चल रहा है। बहुत ही टाइम लग रहा है यहाँ पे क्योंकि बारिश अच्छी हो रही है। पैसे वैसे तो दे दिए, अब फंस चुके हैं, अब तो करके जाना पड़ेगा। थोड़ा सा वेदर अभी क्लीन नहीं हुआ है, बट लेट्स सी कितना टाइम लगता है। और राहुल भाई भी मिल गए थे, हेलो, वो है कलकत्ता से, तो हम दोनों ने ही, इनफैक्ट मेरा जो प्लान है उनके कारण ही बना। पहले तो मेरा प्लान नहीं था ऐसा, बट हम लोग की मुलाकात हो गई होटल में और इनका प्लान था, और बाई चांस हमारी सफारी भी आज कैंसिल हो गई थी, तो हम लोगों ने यहाँ का प्लान कर लिया। सो होप जल्दी वेदर क्लियर हो और जल्दी हम लोग जंप करें। सो फाइनली वेदर थोड़ा क्लियर हो गया है और प्लेन भी निकाल लिया लोगों ने, अब हम लोग जा रहे हैं। हम लोग जाएंगे आसमान की ऊंचाइयों में, पूरा कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। ये हमारी प्लेन है, पूरी बच्चे को बम है। You want to see plane? हाँ, अनविका एरोप्लेन आ गया। She is very excited. Important now, pray. Why? Because you jump and swim same time. Okay. Then and swim, what same time? Swim. मजा आ रहा है। मेरे को धक धक नहीं हो रहा, बस कैमरा हिल रहा है। इसको टेंशन हो रही है। सो फाइनली रेडी हो गए राहुल भाई, रेडी? एक्साइटेड और नॉट? या 100% एक्साइटेड। और इनका भी फर्स्ट है, मेरा भी फर्स्ट है। बस जो हम लोग यहाँ लोगों का व्यू चेंज कर रहे हैं, थाईलैंड कुछ नहीं होता, सिर्फ मसाज होता है। ये जो लोगों का एक बना हुआ है वो चेंज कर रहे हैं हम लोग। We are doing all adventure, बस अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का सांस उड़ाना बाकी है। वो बस स्कूबा भी हम डन, स्कूबा भी डन ना। लैंड करा दे पल भाई मेरे।
कर लिया स्काई डाइविंग, एक जो टू डू लिस्ट थी वो कंप्लीट कर लिया, और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वीडियोस में आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि जब आप ऊपर रहते हैं तो आपको आप अकेले अपने साथ रहते हैं, वो काफ़ी मज़ा आता है। फ्री फॉल जब आप करते हैं, ओहो, ये ऐसी चीज़ है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बट यस, मुझे लगता है एक बार हर किसी को ट्राई ज़रूर करना चाहिए, अमेजिंग। तो अभी दूसरी टीम जा रही है, वेदर मस्त हो चुका है, तो ये भी अनसर्टेनिटी थी कि वेदर क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, बट फाइनली